आता अशी वेळ आली घोटाळ्यात घोळ टाकून बाजूला करून आता यांच्या कार्यालयाला काळा लावायची वेळ आलेली आहे. 5,000 करोडचा हा घोटाळा आहे. मित्रांनो एक लक्षात घ्या, जर MMRDC चेअरमन मुख्यमंत्री असून त्या डिपार्टमेंटला जर फसवण्यात आलं असेल तर सामान्य माणसाचं काय, ह्याचं उत्तर तुम्हीच मला द्या. एक स्मॉपर राजू पाटीलचा असेल माडाचा 170 करोडचा घोटाळा, आणि गव्हर्नमेंट जागा कशांतराने बळकावून तिकडे टावर बांधलेली आहे तो 100-150 करोडचा घोटाळा असेल, हा घोटाळा 5,000 करोडचा असेल, नंतर येणारा ह्याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला अजून देतो, तुम्हाला मटेरियल काय पाहिजे SIT साठी. जो जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सबको जेल में डालना जरूरी है. क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है. पालघर जिले के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल ने एक बार फिर बहुजन विकास आघाड़ी के द्वारा किए हुए 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है. वसई विरार को भ्रष्टाचारों का गढ़ कहा जाता है. वहीं पिछले कुछ समय से आगरी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल वसई विरार में सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा करते आ रहे हैं. उसी क्रम में MMRDA के रेंटल हाउसिंग स्कीम अंतर्गत लोकेशन क्लियरेंस व बांधकाम की इजाजत को लेकर MMRDA प्राधिकरण के नियोजित 25% घर बनाकर हस्तांतरित न करते हुए DHIL व अन्य 87 बांधकाम विकासकों ने वसई विरार उप प्रादेशिक मौजे डोंगरी चिखल डोंगरी व बोलिंज गांव की 525 एकड़ जमीन पर 5,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक. उसी प्रकार विवा क्षितिज इंटरप्राइजेस लिमिटेड के भागीदार शिखर हितेंद्र ठाकुर, उत्तुंग हितेंद्र ठाकुर व प्राची क्षितिज ठाकुर व HDIL इनके बीच विकसन करारनामा के नाम पर 32,94,00,000 का बड़ा घोटाला सामने आया. वहीं इस मामले में आगरी सेना के महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष कैलाश हरि पाटिल ने सरकार से वित्तीय और FSI घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है, जिसमें 32,94,00,000 रुपए का घोटाला हुआ है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराने की मांग भी की है. मुद्दा था आपने जो घोटाला एक्सपोज किया है, 25% जो घर है MMRDA का, तो MMRDA को देना चाहिए था SBL ने. और यहाँ के जो खुद को लोग नेते बोलते हैं उन्होंने उनकी तिजोरी भरी है और लोगों को लूटा है, तो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इतना मेरा कहना, सिंपल कहना. अब मुद्दा क्या है उसका प्रस्ताव? 50,00,000 फुट सेंक्शन हुआ है, उसमें से 12,50,000 फुट MMRDA को देना था, जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री है, उन्होंने दिया नहीं. उधर घर नहीं है MMRDA, तो किधर गए ढूंढो. मुख्यमंत्री ने ढूंढ के देना है लोगों को 12,50,000 फुट घर. और ये PMC बैंक से कनेक्टेड है सब लोग, तो जो पैसा जिसने नहीं दिया वो PMC बैंक में जाने दो ना, गरीब लोगों को मिलना चाहिए, इतना ही हमारा सिंपल कहना है. मैं नहीं बोल रहा, एग्रीमेंट बोल रहा है. कैलाश पाटिल किसी के बहू बेटी पे बोलने वाला आदमी नहीं. जो एग्रीमेंट है वो तो मुझे सामने दिखाना पड़ेगा लोगों के सामने. एग्रीमेंट में बोला है 1,00,000 रुपये में लिया है और 24 करोड़ को बेचा है, उसका पार्ट टोटल 55 करोड़, बाकी का मिल नहीं रहा है, वो मिल जाएगा. वो भी मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ये प्रूफ बोल रहा है. देखो ये प्रूफ क्या बोल रहा है, 3 कंपनी के पार्टनर है और इसमें ऊपर लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ये आप आ रहा है क्या लिखा है, 1,00,000 रुपया दिया है और 55 करोड़ रुपए लिया है, ऐसा हमारा एलिगेशन है. देखो 1,00,000 रुपए लिया है, मैं नहीं बोलता, ये रजिस्टर एग्रीमेंट बोल रहा है, डेटेड 2012 वसी में किया है, 3902 नंबर है, 25/102 बंद कर, ये मैं नहीं बोल रहा. इसमें 1,00,000 रुपए दिया है, उसके बाद पैसा दिया नहीं है, इधर बता रहा है. वही कंपनी है ना, 2017 में भी वो कंपनी बता रही है कि उसका टर्नओवर इधर दिखा है कितना है, देख लो. प्रशासन से क्या आपकी मांग? मुख्यमंत्री ने इसमें ध्यान देना है और जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है मैं बता रहा हूँ. बिल्डर 85 बिल्डर, यहाँ का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो प्लानर है, जगताप का नाम लेता हूँ, खुल्ला रेड्डी का नाम लेता हूँ, वो टाइम के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है, फिर वो सतीश लोखंडे रहे या BG पवार रहे, जिन्होंने इसमें कंप्लीशन और प्लीन चेकिंग दिया है, जो जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सबको जेल में डालना जरूरी है. मैं जेल की बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर जो कोर्ट के जो, क्योंकि ये शासन को फंसा है इन्होंने,
महाराष्ट्र शासन को फंसा है और उनके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जो दोषी होगा उनको जेल होनी चाहिए। हम लोग इसमें पीआईएल में जाएंगे, सबको पार्टी करेंगे और जो भी दोषी है उनके ऊपर केसेस होनी चाहिए। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।